तो गाइस आज की इस वीडियो में करने वाले हैं साथ ऐसे स्मोक ट्री जिसे देखने में आपको काफी मजा आएगा और इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसे मिस मत करना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, आपको एक कोई भी इस तरह के पेपर का टुकड़ा ले लेनी है जो कि आपके घर में इजिली मिल जाएगा, और एक इस तरह का ग्लू लेकर जो कि आपके स्टेशनरी शॉप पे इजिली मिल जाएगा। इसे पेपर के टुकड़े पे कुछ इस तरीके से लगा देनी है। ग्लू लगा देने के बाद ये पेंसिल को ऐसे पेपर पे कुछ इस तरीके से ऐसे रोल करके गोल कर, इसे रोल कर देने के बाद पेपर के अंदर में से पेंसिल को बाहर निकाल लेनी है, और एक इस तरह के पिन लेके इसके अंदर कुछ पेपर को कुछ इस तरीके से अटका देनी है। इसे कोई भी कप के ऊपर रख, और एक लाइटर के मशीन से जैसे ही आप आग लगाओगे, आग लगाने के बाद जैसे आप 5 सेकंड के बाद देखोगे इस पेपर में से निकला स्मोक कुछ इस तरीके से लौकेगा, क्योंकि देखने में काफी कोई मैजिक से कम नहीं लग रहा है। इसे एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करना। इसे करना काफी सिंपल है, इसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। वेल, इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना। नंबर टू, आपके एक अल्मोनियम फॉइल के टुकड़े पे कुछ इस तरीके माचिस से तिली रख कर उसमें एक पेन को रख देनी है। इतना सारा इंग्रेडिएंट रख देने के बाद आपका अल्मोनियम फॉइल के टुकड़े को कुछ इस तरीके से अच्छे अच्छे तरीके से इसे इस तरह से मोड़ देनी है। इसे मोड़ देने के बाद इसके एक साइड में कुछ इस तरीके से और मोड़ देनी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो सेम उसी तरीके से। और इस रोल किया अल्मोनियम फॉइल के टुकड़े में से पेन को निकाल लेनी है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इसे कोई भी बोतल के अंदर डालकर इसके ऊपर वाले साइड के एक लाइटर के मदद से आग लगा देनी है। उसके बाद देखो मैजिक। अगर जो आप इसे और अच्छे तरीके से करना चाहते हो, आपको एक इस तरह की स्प्रोपियल अल्कोहल ले लेनी है, इसे उसी बोतल के अंदर अच्छे से स्प्रे करके इसमें आपको फिर से आग लगा देनी है, लाइटर या माचिस बॉक्स। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये वाला ट्रिक आप नहीं कीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है। इसके अंदर जैसे आप बत्ती को डालोगे इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। नंबर थ्री, इस वाले ट्रिक में आपको एक कैंडल को बुझा कर और इसके धुएं पर जैसे आप लाइटर को धराओगे आप देखोगे धुआं के मन से कैंडल भी जलने लगी। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। इस ट्रिक पर आपको विश्वास नहीं है तो करके देख लो। नंबर फोर, हमने जो इसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था उसी तरीके से इसे भी उसी तरीके से धरा लेनी है। अल्मोनियम फॉइल के धराने के बाद जैसे इस बोतल के अंदर धुआं आ जाए अब इसके अंदर से अल्मोनियम फॉइल के टुकड़े को बाहर निकाल लेनी है, और इसके ऊपर जैसे आप लेजर लाइट को मारोगे तब इसका नजारा ही कुछ अलग ही तरीके से दिखेगा। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। नंबर फाइव, इस वाले ट्रिक में आपको एक कांच के गिलास लेकर उसके अंदर अल्मोनियम फॉइल के टुकड़े डाल कुछ इस तरीके से धरा लेनी है। इस कांच के गिलास के अंदर जैसे ही स्मोक भर जाए आप इसे 2 गिलास के अंदर कुछ इस तरीके से गिरा के खेल भी सकते हो। है ना शानदार। नंबर सिक्स, आपको एक इस तरह के वेनेगर के बोतल ले लेनी है जो आपके एक किसी भी शॉप पे इजीली मिल जाएगा, और इसके ढक्कन को कुछ इस तरीके से खोलकर इसे कांच के गिलास में कुछ इस तरीके से पानी को कुरा लेनी है, और एक इस तरह के बेकिंग सोडा लेकर जो कि आपके ए भी मार्केट में सस्ता मिल जाता है, और इसे खोलकर इसमें से एक चम्मच को निकाल कर गिलास में कुछ इस तरीके से कुरा देनी है। गिलास के अंदर जैसे आप कुरागे तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, और इसके बाद आपका अल्मोनियम फॉइल के टुकड़े कांच के गिलास के अंदर डाल के इसमें भी लाइटर से आग लगा देनी है, और इस गिलास के अंदर जैसे स्मोक भर जाए तो एक और गिलास लेकर उसके स्मोक को दूसरे गिलास में पलट लेनी है, सेम इसी तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। लेकिन हाँ, इसका स्मोक जैसे आपके हाथ में पड़ेगा तो आपका हाथ भी ठंड हो जाएगा, और इसका स्मोक को जैसे आप किसी भी कैंडल के ऊपर गिराओगे तो कैंडल इस स्मोक की वजह से अपने आप ही बुझ जाएगा। नंबर सेवन, आपके एक बोतल के पीछे से काट के उसके ऊपर एक गुब्बारा को चपका देना है। जैसे वीडियो में देख रहे हो सेम उसी तरीके से आपको बनाना है, और एक पीछे से तन्ना भी चाहिए, और आपको उसी तरह का अल्मोनियम फॉइल के टुकड़े इस बोतल के अंदर डाल देनी है, और आपके अल्मोनियम फॉइल के टुकड़े पे लाइटर के मदद से आग लगा देनी है, और इस बोतल में जब भी स्मोक भर जाए इस गुब्बारे को जब भी हिंच के आप छोड़ो आप देखोगे इसका स्मोक रिंग की तरह निकलने लगा है।